बस बड़ा बैग क्या है? बड़ा भारी है। बस एक ही पैंपर, पैंपर निकाल लें। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैंने पिछले व्लॉग में जैसा बताया था, जाजू भाई की अब दावतें दोबारा शुरू की हैं जाजू भाई ने, तो उसी के साथ मैं भी जाजू भाई के साथ आ गया हूँ। वो वजह ये बनी है कि थोड़ा लंबा सफ़र था उकाड़े तक का, तो पापा ने कहा था कि जाजू भाई के साथ एक जना होना चाहिए, तो मैं तैयार हो गया। फिर दो दिन की कॉलेज की छुट्टी ली और जाजू भाई के साथ आ गया। दो जगह दावतें खा भी ली और एक व्याड़ी नहीं, एक बुरे वाला खाई थी और एक आरफ वाला। तो अब पहुँचे हैं उकाड़ा हुपुर घर। उधर मैं व्लॉग बना नहीं सका, तो वो भाभी के रिश्तेदार थे, थोड़ी ऐसे शर्म वगैरह आती है। तो ये तो सिर्फ अपना ही घर था उकाड़े में, इसलिए मैं बना रहा हूँ व्लॉग। इंशाल्लाह सुबह हमने इधर दीपालपुर शरीफ भी जाना है, बाबा जी के दरबार पर हाजिरी देनी है। ये फूफो का बेटा सबसे छोटा। फिलहाल तो टाइम हो रहा है 9:20, रोटी रोटी सारा कुछ खा लिया इधर भी। 8 hours later। हेलो एवरीवन, अपनी सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। शर्माया ना कर, आ जा भाई, आना तो मैं इसे समझा के लाया था, यार मैं वीडियो बनाऊंगा, आ जा मेरे साथ ऊपर। तो तीसरी मंजिल पे हम आए थे, अब इसे शर्म आ रही है, फिर ये नीचे जा रहा है, खड़ा अभी सीढ़ियों पे है। लेकिन अपनी गाड़ी जो है वो हमने उधर खड़ी करी थी सामने वाले घर में, आपको शायद दिख रही हो, वो रिमारखोर की शक्ल दिख रही होगी। यार एक कुर्सी का फट्टा तो ले आ, मैं ना भूल के बैठना इधर होता है, इधर बैठ उधर जाता हूँ। धूप सेकने आए थे ऊपर तकरीबन 20 मिनट पहले, वीडियो मैंने अब शुरू की है। सूरज काफ़ी ऊपर आ गया, 8:15 का टाइम है, अब आ गया ना सीधे तरीके से। एहसान यार वो गुड्डा उठ रहा है जो सामने, ये रहा वो नीचे गया, उतार लिया मेरे, नहीं नहीं अभी उठ रहा है इधर, यानी इस टाइम भी गुड्डे उठते हैं, तो हमारे तो गर्मी में उठते हैं। अभी चलते हैं नीचे, नीचे से आपको कुछ दिखा देते हैं घर वगैरह। ये दो कमरे हैं, इधर भाई हैं, उधर वाशरूम। अभी जाजू भाई नहाने गए हुए हैं इधर, हमारे तो हमें गर्म पानी मिला है, जो पीछे घर थे उधर तो गर्म पानी था ही, ठंडे ठंडे पानी से नहाए थे। तो मैं भी अभी जाजू भाई जैसे निकलेंगे फिर मैं नहाता हूँ। शान ने अपनी जूती मुझे दे दी थी, छोटी छोटी, इतने बड़े पाँव हैं मेरे, यानी बस थोड़ा बहुत मैं कम्फर्ट फील करूँ मैंने ले ही ली, नहीं तो बूट में यार ऐसे फिर सही नहीं रहता, सारा दिन उतारो पहनो। अरे वाशरूम, अरे वाशरूम, उधर से नीचे जाना है। उस्ताद कितना है अभी काला ना आगे। तो अभी मोहसिन भाई मुझे एक बाबे के पास लेके आए हैं, मुझे कल भी कहा था सांप वगैरह रखे हुए हैं बिच्छू वगैरह, तो ये वही दिखाने आए थे मुझे। इनके अंदर औजैर भी है सारा कुछ, यस है। खौफ नहीं आंदा तुम्हारा? क्यों लगा मेरे पे आवेगा उड़ के पे? ये मछलियां रखी हुई हैं, तोते वगैरह। अभी हम जाने लगे हैं दीपालपुर शरीफ, सांप देखा है काफ़ी वीआईपी थे, मैंने कहा है कि अगर शायद हम वापस इधर होके जाएं उकाड़ा तो सारे सांप देखें, काफ़ी सारे रखे हुए हैं। ये है उधर ही साथ है, उधर साथ एक है स्कूल, ये उधर का गार्ड है, तो काम वगैरह होते हैं ना, इसने हमें एक ही दिखाया था। तो बाद में जब हम आए ना इंशाल्लाह शायद दीपालपुर से वापसी पर फिर सारे देखेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे। Working all day, yo, my nigga, but I don't know that girl, rap star. Working for bills, don't know that I'm team, nigga, she ride on, yeah, no, now. Living more life, better life. Talk that out, let's hang on, thanks to the guy. Hang him on the. Abhi CNG full करवा रहे हैं जाजू भाई को। हो जा जल्दी। आज बिच्छू को खींच
शाम इस टाइम फुल फुल खुश हो रहा है माशाल्लाह। हाँ जी, गाय बकरी सब चीजों को देख के खुशी माशाल्लाह। आ जाओ। तो अभी हम अपने गांव में मौजूद हैं, इधर यहाँ से लेके ये वाला घर और उधर तक सामने तक ये सारे हमारे घर थे। इधर पापा पैदा हुए थे, ये उसाम, ये सारा गांव, यानी ये उकाड़े के तकरीबन अजान हो रही है एक मिनट। तो अजान हो चुकी है, पापा तकरीबन यहाँ पैदा हुए थे, छोटे ही होंगे जब वहाँ चले गए थे, पता नहीं क्या वजह बनी उधर गए किस तरह। ये अभी छोटा सा था, ये हमारे चाचू लगे पापा के कजन। ये हमारा गांव है उकाड़े के तकरीबन कोई 20 किलोमीटर ऐसे सफर बनता है, 20-25 किलोमीटर। यहाँ जो एहसान है ना मेरे भाई, वो गन्ने खाने में लगा हुआ है। ये मेरे वाला गन्ना है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 इसकी ये खाई है, और ये सारा एहसान कहता है। ਆਖਰੀ ਸੜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਆਏ ਜੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੁਸਤਾਬਾਦ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੜਕ ਚਲੋ ਹੈਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਚਿਰ ਸਟਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸੜਕ, ਮੇਨ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੜਕ। ਅੱਛਾ, ਦਿਵਾਲਪੁਰ ਚੌਖਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਚੌਖਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਦਿਵਾਲਪੁਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾ ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ये साईं अब्दुल रजाक साहब का मज़ार है माशाल्लाह ऊपर तक। बस अब जाजो भाई ने दुआ मांग ली, मैंने भी एहसान ने भी, इधर से हम वापस चलते हैं। ये इसके अंदर थे हम, ये मज़ार है, और ये जो लंबा मीनार है ये दूर से ही दिखता है। मैं पहले उर्सों पे आया था, मैं इधर तक गया था, ये वज़ू की जगह, इधर उर्सों पर ज़्यादा रश होता है, इधर स्टॉल लगे होते हैं जगह जगह। इधर से ये साइड जाती है, ये औरतों को जाती है, शान उसाम को लेके आ रही है साइड। जाओ भाई, उसाम का भी सलाम करवाने जा रहे हैं। शाम जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है? जाए शान, तू भी चला जा, चल छोड़, जा जाए भाई। ये अपनी गाड़ी खड़ी है इधर साइड पे लगा दी थी, उस साइड पे मेन गेट है। तो आज हम लोग नहीं जा रहे हैं, एहसान भी खुश है, एहसान तो पहले ही कह रहा था ना जाओ, तो पापा से पूछा था, फूफा जी ने रोक लिए थे असल में, फिर पापा से कॉल करके पूछा, फूफा जी नहीं आने दे रहे, शाम हो गई थी ना असल में, तो इसलिए पापा बोले फिर सुबह सुबह निकल लेना। अभी गौर में से 3 आइसक्रीम ली थी, लिखा यार सिंगाड़े भी, मुंह फुल मट्टी मट्टी हुआ है, पर साफ कर दूं। पिज़्ज़ा, पास्ता, रोल, मोहसिन भाई की तरफ से। अभी ये खाते हैं फिर घर चलते हैं। अभी मैं घर पहुंचा हूं, यानी तीनों घर पहुंचे हैं, तो पेट भर के खाया माशाल्लाह, घूमे फिरे बाजारों में, मज़ा आया। तो इस ब्लॉग को मैं इधर ही ख़त्म करता हूं, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।